फ्रेंड तो कैसा अप्लाई हो, आपसे बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं पटना जंक्शन गोरिया टोली के अंदर। आप लोग कोई से भी कहिएगा हमें पटना जंक्शन बिना सिनेमा जाना है, कोई भी बता देंगे। वहाँ पे आके कोई से भी कहिएगा हमें गोरिया टोली जाना है, कोई भी बता देंगे। अभी हम एक ऐसा चीज का ब्लॉग बनाने आए हुए हैं, ब्रांडेड स्लीपर हो गया, हवाई हो गया, चप्पल हो गया, सारा चीज यहाँ ब्रांडेड मिलता है। जैसे एक तरह से देखा जाए तो एजेंटा हो गया, बहामास हो गया, एक्वालाइट हो गया, पैरागन हो गया, हर तरह का ब्रांड यहाँ मिलता है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, दुकान को टूर कराते हैं। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं एक बार जरूर आके इनसे कांटेक्ट कीजिए। दुकान का नाम हो गया MBA ट्रेडर्स। और चलिए सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं क्या कुछ, अभी कुछ नया नया चीज लाए हैं कि नहीं। नया ब्रांड आया है, नया कलेक्शन आया है, नया वैरायटी आया है। एक तरह से देखा जाए न्यू कलेक्शन में, क्या क्या आया हुआ है? जैसे उस समय था रिलैक्सो था, एजेंटा था, ब्रांड सब वही है लेकिन उसमें नया कलेक्शन है। अच्छा, जैसे रिलैक्सो में नया है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, पैरागॉन में, बाइक में भी जो हीरो होंडा होता है, तो हीरो होंडा तो नाम रहता है लेकिन बाइक का मॉडल चेंज रहता है। वैसे ही वही मॉडल चेंज, वैसे ही स्लीपर में नाम वही है, एजेंटा हो गया, रिलैक्सो हो गया, पैरागॉन हो गया, लेकिन मॉडल चेंज, वैरायटी चेंज, वैरायटी चेंज होता रहता है। सर से ये वीडियो जो भी आदमी देख रहे हैं अगर स्लीपर का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर वो आपसे आके बात करेंगे, माल लेना चाहेंगे, आप दे दीजिएगा कि? हाँ, पिछले बार जो आप वीडियो बनाया था उसको देख के कई लोग आए हैं हमारे पास और उन्होंने माल लिया भी। अच्छा, कुछ लोग पटना से बाहर, ज्यादातर पटना से बाहर के ही थे। बात किया जाए अभी जितना भी आप स्लीपर दिखा रहे हैं, लगभग जो भी आदमी माल लेंगे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं कि नहीं ये बिजनेस? हाँ, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट कम है लेकिन सेल ज्यादा है। अच्छा, सेल होलसेल में यही है कि प्रॉफिट कम है लेकिन सेल ज्यादा। लेकिन मान के चलिए जो दुकानदार आपसे तो खरीद के लेके जाएंगे, वो रिटेल में बेचेंगे, तो उनको प्रॉफिट है? उनको प्रॉफिट ज्यादा है, उनको है, क्योंकि उनको एक एक पेयर करके बेचना होता है, तो उनको प्रॉफिट है। हाँ, उनको प्रॉफिट है और अच्छा खासा प्रॉफिट है। क्योंकि ये जो गांव के आदमी है, मान के चलिए कोई बक्सर से वीडियो देख रहे हैं, कोई आरा से देख रहे हैं, कोई सासाराम से देख रहे हैं, कोई सिवान से, कोई छपरा से, मतलब चारों तरफ से देख रहे हैं जो वीडियो, अगर वो मान के चलिए बिजनेस कर रहे हैं इस चीज का, तो ये आपसे ये माल लेके जाएंगे, तो जो आदमी बिजनेस में न्यू जुड़े हुए हैं उनको आप सलाह दीजिएगा? नए लोग भी आते हैं, वो पूछते हैं कैसे करना है, क्या है, कौन माल ज्यादा बिकता है, तो उसको डिटेल से बताते हैं कि उसपे क्या मार्जिन है, उसको कैसे बेचना है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? उसको एक्सपीरियंस बिना उसको बताए वो समझेगा कैसे, नया आदमी है तो उसको तो। आप लगभग इस फील्ड में कितना सालों से? फील्ड में हो गया करीब 23 साल। 23 साल? जी 23 साल। तो क्या सफर रहा आपका? ऊपर नीचे होता रहा, बीच में कोरोना आया, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ और बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। अभी तो 3 महीना से बाजार बहुत नीचे चल रहा है। अब देखिए, अब दुर्गा पूजा का टाइम आ गया है, दशहरा का टाइम आ गया, तो ऊपर जाना चाहिए। एक चीज और बता दीजिए, आपको कैसे मन में ख्याल आया, मतलब ये बिजनेस करना चाहिए? शुरू में एक बैग ऐसा, कोई ये नहीं कि मेरे से पहले जो मेरे फादर थे या कोई और थे वो भी ये बिजनेस करते थे, तो एक बैग मन में ख्याल आया कि चलो इसका भी बिजनेस किया जाए, देखा जाए। शुरू में बहुत नुकसान भी हुआ, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में, और अब पूरा एक्सपीरियंस और काम भी बढ़िया से हो रहा है। पीछे में लेडीज का कलेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्या है थोड़ा बताना चाहिए? पीछे लखानी है, फ्लाइट है, रिलैक्सो का, एक्शन का भी, एक्शन का है, ये टोटली ब्रांड है, फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी नहीं? सेकंड कॉपी तो बेचते ही नहीं। अच्छा, पूरा फर्स्ट कॉपी है? फर्स्ट कॉपी। तो यहाँ पे कलेक्शन का कमी नहीं है, एक से एक वैरायटी, एक से एक कलेक्शन, स्टॉक भी कम नहीं है, पूरा देख लीजिए कार्टून पे कार्टून स्टॉक है। और आप लोग आइए, ऑर्डर दीजिए, बात किया जाए, जहाँ माल पहुँचवा दी। हाँ, बहुत से लोग आते हैं कि पैसा और ये यहाँ जमा कर देते हैं, अपना एड्रेस दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनको यहाँ चला जाता है। ये पैरागॉन हुआ, ज्यादातर पैरागॉन का है, ये अजंता का हुआ है, ये एक्वालाइट का हुआ है। अच्छा, तो मल्टी ब्रांड है। अच्छा, ये फ्लाइट है, रिलैक्सो का, ये सारा चीज लेटेस्ट कलेक्शन, लेटेस्ट कलेक्शन है सर। अच्छा, जो भी कलेक्शन देखा जा रहा है सारा चीज लेटेस्ट कलेक्शन है। नहीं, इस टाइप का जो चप्पल आता था ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत पुराना, रिलैक्सो का चप्पल आता था बहुत पुराना। हाँ, जो ग्रे कलर का होता था, फीता, डबल फीता वाला, वो आज भी चलता है और बहुत चलता है। वो जितना मजबूती उसका रहता है ना, मत पूछिए, मजबूती में तो उसका कोई मुकाबला नहीं। अभी भी आता है कि नहीं? अभी भी आता है और खूब बिकता है। अच्छा, बिकता है? अरे हम तो जब से यहाँ आए हैं उससे पहले भी उसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी भी बहुत उसका डिमांड है। अच्छा, इधर भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारा कलेक्शन है, मतलब आपके पास कलेक्शन का कमी नहीं? कलेक्शन के कमी, अगर कोई भी आएंगे दुकानदार, यहाँ से वैरायटी देखेंगे, जितना ऑर्डर देंगे उतना माल आप दे दीजिए। बिल्कुल। तो सब बताना चाहिएगा, मान के चलिए कोई आदमी न्यू बिजनेस करना चाहते हैं,
कितना रुपया लेके आएंगे तो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते? वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि उनकी शॉप कहाँ पर है, कहाँ पर खोलने वाले हैं। मान के चलिए एक तरह से ज्यादातर पटना से बाहर का है। हाँ, तो पटना से लगेगा। हाँ, जैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं, क्या है हमारा जो भी व्यूअर है, पटना के आदमी तो सबको जानते हैं सारा चीज कहाँ मिलता है। ज्यादातर आदमी सर्च करते हैं गाँव से, देहात से, क्योंकि उन लोग को नॉलेज नहीं होता है होलसेल वाला चीज कहाँ मिलता है, समझ गया ना। तो आदमी जो सर्च करेंगे अपना, मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चप्पल का, सैंडल का, आपका हवाई का, तो कितना रुपया लेके आएंगे तो अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते? अब वो उनके पूंजी के ऊपर, वो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। मतलब शुरू शुरू में जो बिजनेस स्टार्ट करें, शुरू में कम से कम तो 3 लाख 4 लाख से पूरे वैरायटी, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत आ गया है, हर कंपनी में बहुत वैरायटी, पहले वाली बात है नहीं। लेकिन 3 लाख में एक तरह से देखा जाए पूरा कलेक्शन, शुरुआत होगा, कलेक्शन पूरा नहीं होगा, आप शुरुआत कर सकते हैं, बाद में आप देखिए आपका क्या रिस्पांस है उसमें, आपको लगे। फिर भी 3 लाख लगा देंगे तो अच्छा खासा दुकान दिखेगा। हाँ, 3 लाख में दुकान थोड़ा ढंग का दिखेगा। दुकान भी पर है, कितना बड़ा दुकान है, उसका साइज भी है। अगर दुकान एक मान के चलिए 10x10 का, 10x10 का है तो 3.5-3 लाख ठीक है। उतना में मतलब दुकान अच्छा मतलब लगे, उतना में वो काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो प्रॉफिट कमाते जाएंगे वैसे वैसे अपना माल बढ़ाते हैं, क्या नहीं है वो तो उसके बाद ही पता चलता है। तो जैसे जैसे वो प्रॉफिट कमाते जाएंगे वैसे वैसे अपना माल बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। हम लोग भी शुरू यही किया है, शुरू में बहुत कम था, जैसे जैसे स्ट्रगल करते गए आज इस मुकाम पे आ गए, इस मुकाम पर आ गए। तो अभी आपके पास तमाम तरह का वैरायटी, तमाम तरह का कलेक्शन है, नहीं? क्योंकि हम ज्यादातर ब्रांड बेचते हैं। अच्छा, नॉन ब्रांड नहीं भाई, नॉन ब्रांड। एक टाइमिंग बता दीजिए, क्या टाइमिंग है? सुबह 10:30 खुलने का टाइम है और शाम 7:30 बजे तक। अच्छा, और संडे ऑफ है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, जो भी आपके पास ब्रांडेड चप्पल है, हवाई है, उसमें आप MRP से कितना परसेंट डिस्काउंट देते हैं? वो सबका अलग अलग है सर, सब कंपनी का अलग अलग है। और क्या प्रॉफिट मार्जिन, मोटा मोटी रिटेलर तो जानता ही है कि हमें क्या मिलता है। ये बताना चाहिए? नहीं बताना, ये थोड़ा सा ये आप नहीं बताना चाहिए। हाँ जी, लेकिन जो दुकानदार आएंगे यहाँ पे उनको आप बता दीजिए। हाँ, उनको तो बताएंगे, क्योंकि उनको उनको हाँ, क्योंकि हर आदमी को आप रेट शो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो दुकानदार आएंगे, जो दुकानदार आएंगे उनको पूरा अच्छा से बताइएगा, पूरा गाइडलाइन दीजिएगा और हर चीज का रास्ता सही दिखाइए। बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा, 50,000 रुपया हम लेके आए हैं, इसी में आप अपने हिसाब से दे दीजिए कि हमको आइडिया उतना नहीं है, तो ऐसा भी हम लोग कर लेते हैं कि चलो ठीक है, पूरा मेल मिला के उस हिसाब से उसको दे देते हैं। यानी यहाँ पे कलेक्शन का एक बार कलेक्शन दिखा दीजिए, इसमें छोटे बच्चे का भी आ जाएगा, साइज क्या आएगा छोटे बच्चे का? इसमें साइज आता है, सबसे छोटा साइज आता है किड्डी 6 से 8, उसके बाद उससे थोड़ा बड़े बच्चे का 9 से 1 आता है, फिर 2 से 5 साइज आता है, 9 से 1 से 9 9 से 1 जैसे ये सब साइज है, 9 से 1 9, 10, 11 छोटा साइज है 9 से 1, और उसके बाद 2 से 5 साइज आता है, और बड़े आदमी के लिए 6 से 9। यहाँ कलेक्शन देख लीजिए, कलेक्शन का कमी नहीं है, और सारा चीज वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग गांव शहर से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आइए पटना जंक्शन गोरिया टोली। अगर आप लोग को नहीं पता चलेगा तो कोई से कहिएगा गोरिया टोली हमें जाना है MBA ट्रेडर के पास, कोई भी बता देंगे गोरिया टोली में। सर जी का नाम है राशिद, आइए इनसे मिलिए और आपको अच्छा से अच्छा सलाह देंगे, अच्छा से अच्छा गाइडलाइन देंगे। जितना अच्छा इनसे बात करने में लगा उतना ही अच्छा इनका व्यवहार है। आप लोग बिजनेस शुरुआत कीजिए, अच्छा खासा मुनाफा कमाइएगा, गारंटी लेंगे सर, लीजिएगा कि नहीं सर? बिल्कुल, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते, क्योंकि हम ब्रांड बेचते हैं और ब्रांड हर जगह बिकता है, क्योंकि कोई आदमी आते हैं तो खुश होकर जाते हैं। नॉन ब्रांड में थोड़ा दिक्कत होता है, कस्टमर पूछता है क्या भाई नाम नहीं सुना, क्या है, क्या चलेगा, ब्रांड आंख बंद करके ले जाए, आंख बंद कर लेते हैं कि भाई ये ब्रांड है वो जानते हैं, इसलिए ब्रांड बेचते जी, इसलिए ब्रांड बेचते। तो आप लोग आइए खरीदारी, तो आप लोग आइए खरीदारी कीजिए, अच्छा से अच्छा कलेक्शन यहाँ मिलने वाला है। फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।